नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर हुए विवाद की, राहुल गांधी के चुनाव आयुक्त के इस्तीफे पर पूछे गए सवालों की, बात करेंगे किसान आंदोलन की, बीजेपी में हुई बड़ी बगावत की, जानेंगे अब किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दी है नसीहत, और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार विधान परिषद के लिए निर्विरोध चुने गए सभी 11 उम्मीदवार नीतीश और राबड़ी देवी फिर पहुंचे विधान परिषद। एनडीए को 6 और महागठबंधन को मिली 5 सीट। आपने पंजाब के लिए जारी की 8 उम्मीदवारों की लिस्ट, अमृतसर से कुलदीप सिंह धालीवाल समेत 5 मंत्रियों पर आपने खेला दांव। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की शिकायत पर रांची पुलिस ने ईडी के एडिशनल डायरेक्टर को भेजा समन, SC ST एक्ट के तहत दर्ज कराई गई FIR। शेयर बाजार में तेजी, 335 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 73,097 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 148 अंकों की तेजी के साथ 22,146 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। आज चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए बैठक थी। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली 3 सदस्यीय समिति ने 10 मिनट में ही दोनों चुनाव आयुक्तों के नाम तय कर दिए, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में आ गई है। समिति के सदस्य अधीरंजन चौधरी ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो किस नाम पर लगी है मोहर और क्या है अधीर के सवाल, देखिए ये रिपोर्ट। देश को 2 नए चुनाव आयुक्त मिल गए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले 3 सदस्यीय पैनल ने दोनों आयुक्तों के नाम पर मुहर लगा दी। केरल के ज्ञानेश कुमार और पंजाब के सुखविंदर संधु देश के चुनाव आयुक्त होंगे। सुखविंदर संधु उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन रह चुके हैं। उधर ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के IAS ऑफिसर हैं और गृह मंत्रालय में तैनात रह चुके हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बैठक 10 मिनट तक ही चली, लेकिन इस दौरान भी विवाद की स्थिति बन गई। समिति के सदस्य अधीर बैठक छोड़कर बाहर निकल आए और उन्होंने कहा कि मीटिंग शुरू होने के 10 मिनट पहले 6 नाम मेरे पास आए। मुझे सुखबीर सिंह संधु, ज्ञानेश कुमार, उत्पल कुमार सिंह, प्रदीप कुमार त्रिपाठी, इंदिवर पांडे और गंगाधर राहत के नाम सौंपे गए थे। मैंने कहा कि इनकी ईमानदारी और तजुर्बा जांचना मेरे लिए असंभव है। मैं इस प्रक्रिया का विरोध करता हूँ। ये होना ही था, ये औपचारिकता है। इस कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखना चाहिए। अगर CJI होते तो बात अलग थी। कल रात मैं दिल्ली आया तब मुझे 212 लोगों की लिस्ट सौंपी गई थी। इतने कम समय में सभी का प्रोफाइल जांचना असंभव था। चुनाव आयुक्तों के नाम पर मुहर लगने के बाद अब संकेत मिल रहे हैं कि कभी भी लोकसभा चुनावों का ऐलान हो सकता है। जब से चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय बनाया गया है उसके बाद ये पहला मौका था जब एक साथ 2 चुनाव आयुक्तों का चयन किया गया है और वो भी सवालों में फंस गया है। सवाल तो पूर्व चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे को लेकर भी उठ रहे हैं। आखिर किस दबाव में उन्होंने अपना इस्तीफा दिया? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसे लेकर मोदी सरकार को भी घेर लिया है। तो क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों से पहले देश में हलचल मची हुई है। आज 2 नए चुनाव आयुक्तों का चयन हो गया है, लेकिन अरुण गोयल ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा क्यों दिया, इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। गोयल को काम करने नहीं दिया जा रहा था या वो दबाव में थे? राहुल गांधी ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि EVM हटाओ, EVM में कमी है। हम चुनाव आयोग के पास गए, वो सुनने को तैयार नहीं है। फिलहाल तो अब चुनाव आयुक्त ही हट गए हैं, दूसरे चुनाव आयुक्त चुने जा रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस की भारत जोड़ो नया यात्रा में आज एकजुटता भी दिखाई दी। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल इसमें शामिल हुए। नासिक में किसान महासम्मेलन का भी आयोजन किया गया। इसमें राहुल गांधी के साथ NCP प्रमुख शरद पवार, शिवसेना UBD सांसद संजय राउत ने भी मंच शेयर किया। तीनों नेताओं ने एकजुट होकर किसानों के न्याय के लिए आवाज उठाई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि मोदी सरकार के 10 साल देश के किसानों के लिए अन्याय काल साबित हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों के लिए कांग्रेस सरकार के दरवाजे हमेशा खुले रखेंगे। उन्होंने कर्ज माफी, फसल का सही दाम, MSP की गारंटी और फसल बीमा योजना व GST को सही तरीके से लागू करने के लिए किसानों को जरूरी बताया। साफ है कि राहुल गांधी किसानों से लेकर चुनाव आयुक्त
हर मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर रहे हैं। राहुल के सवालों का जवाब मोदी सरकार नहीं दे पा रही है। राहुल गांधी के सवालों से मोदी सरकार परेशान है, तो दूसरी तरफ किसानों ने भी सरकार की परेशानी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है और अब तो किसान दिल्ली ही पहुंच गए हैं। रामलीला मैदान में किसानों ने महापंचायत की और मोदी सरकार को सीधे चेतावनी दी, तो क्या फैसले हुए हैं किसान महापंचायत में, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में किसानों ने हल्ला बोल दिया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज किसानों की महापंचायत हुई। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हजारों की संख्या में किसान इस महापंचायत में शामिल हुए और अपनी मांगों को लेकर संयुक्त रूप से चर्चा की। किसानों के भारी जत्थे को देखते हुए महापंचायत को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे, तो जगह जगह ट्रैफिक डायवर्जन भी किया गया था। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने महापंचायत में कहा कि सरकार ने अगर किसानों की मांग नहीं मानी तो सरकार और किसानों की आर पार की लड़ाई होगी। तो वही किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 22 जनवरी 2021 के बाद से सरकार ने किसी भी संगठन से बातचीत नहीं की है, सरकार झूठ बोलती है, देश में आंदोलन चल रहे हैं, विचारधारा के आंदोलन है। टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों को बदनाम करने की कोशिश करेगी, डराने धमकाने की कोशिश करेगी, सरकार कोई काम नहीं कर रही, देश में पूंजीवाद चला हुआ है, सरकार पूंजीपतियों का गैंग है, जमीन बचानी है तो आंदोलन करने पड़ेंगे, किसानों को अलग करने के लिए देश में जातिगत संगठन बनेंगे, सिख समाज को बदनाम करने की साजिश चली हुई है, पूरा देश पंजाब को देखता है, पूरा देश किसानों के साथ है। बताया जा रहा है कि किसान 23 मार्च को देश भर में बड़ा आयोजन कर सकते हैं। इस महापंचायत में किसानों ने आगे की रणनीति पर चर्चा की है। किसान नेता ने सरकार को चेतावनी दी है कि किसान आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, ये महापंचायत इसीलिए रखी है ताकि सरकार को मैसेज दिया जा सके कि उन्हें किसानों से बात करके उनके हक में फैसला लेना चाहिए, उनकी समस्याओं का हल निकालना चाहिए। देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ उठ रही विरोध की आवाज का असर अब पार्टी पर भी दिखने लगा है। बीजेपी के सहयोगी उसका साथ छोड़ रहे हैं तो पार्टी नेता दल बदल रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में तेज होती बगावत ने उसे पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया है। बीजेपी का कुनबा बिखरता दिखाई दे रहा है, लगातार उसे झटके लग रहे हैं। हरियाणा की सत्ता में 4 साल तक बीजेपी के साथ रही जेजेपी ने अब उसका साथ छोड़ दिया है। जेजेपी एनडीए से अलग हो चुकी है तो अब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अलग होने की खबर आना शुरू हो गई है। सीट बंटवारे पर किनारे लगाए जाने के बाद अब पशुपति पारस पाला बदलने की तैयारी में है, वो लालू और तेजस्वी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। इसी बीच बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी है, जिसके बाद पार्टी के अंदर बगावत के हालात बन गए हैं। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ सीट से चुनाव लड़ रहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की मुश्किलों को विधायक चंद्र भान सिंह आकिया ने और बढ़ा दिया है। आकिया 2018 में बीजेपी के टिकट पर चित्तौड़गढ़ से विधायक चुने गए थे, लेकिन 2023 में पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। आकिया ने टिकट काटने का आरोप सीपी जोशी पर लगाया था और निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत गए। बाद में भजनलाल सरकार को उन्होंने समर्थन दे दिया, लेकिन जैसे ही सीपी जोशी के नाम का ऐलान हुआ आकिया ने भी निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। तो दूसरी तरफ कर्नाटक में बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व डिप्टी सीएम ईश्वरप्पा ने भी अपने तेवर तीखे कर लिए हैं। ईश्वरप्पा अपने बेटे कांतेश के लिए हावरी से टिकट मांग रहे थे। उन्होंने दावा किया था कि येदियुरप्पा ने भी कांतेश को टिकट दिलाने का वादा किया था, लेकिन बीजेपी ने यहां पर बसवराज बोमई को उम्मीदवार बना दिया और अब ईश्वरप्पा ने कांतेश को निर्दलीय चुनाव लड़वाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बीजेपी छोड़ने के संकेत भी दे दिए हैं। बीजेपी को झटके पर झटके लग रहे हैं, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के सहयोगी अजीत पवार को भी बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि जब चुनाव आता है तो चेहरे की जरूरत पड़ती है और चुनाव निकल जाता है तो मुंह मोड़ लिया जाता है। सवाल था अजीत गुट प्रचार में शरद पवार की तस्वीर क्यों इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या जवाब दिया अजीत गुट ने, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी है। पार्टी के नाम और निशान को लेकर एनसीपी के अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट में जंग चल रही थी। अब नया टकराव सामने आया है। शरद गुट ने अजीत गुट की सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की है कि शरद पवार की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अजीत पवार की एनसीपी पर घड़ी के निशान और शरद पवार के चेहरे का उपयोग करके लोगों को गुमराह करने के आरोप लगाए थे। सिंधवी ने इसे जनता के साथ धोखा करार देते हुए पार्टी की रणनीति पर सवाल उठाए थे।
मामले में 14 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अजीत पवार गुट को जोरदार फटकार लगाई। कोर्ट ने अजीत गुट से चुनाव प्रचार के लिए शरद पवार की तस्वीर का इस्तेमाल करने को लेकर सवाल उठाए हैं और इस पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अजीत पवार से कहा कि वह किसी भी भ्रम से बचने के लिए दूसरा चुनाव चिन्ह लेने पर विचार करे। सर्वोच्च न्यायालय ने अजीत पवार गुट से कहा कि पार्टी को हलफनामा देना चाहिए कि वह अपने सदस्यों को शरद पवार की तस्वीर का इस्तेमाल करने से रोकेगी। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और केवी की पीठ विश्वनाथन ने पार्टी की रणनीति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जब चुनाव आता है तो आपको उनके चेहरे की जरूरत होती है और जब आप चुनाव जीत जाते हैं तो आप पार्टी छोड़ देते हैं। मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। आपको बता दें कि 19 फरवरी को शीर्ष अदालत ने एनसीपी संस्थापक शरद पवार और उनके गुट को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद पवार के नाम से काम करने की अनुमति दी थी। वहीं ईसीआई ने अजीत पवार के गुट को असली एनसीपी के रूप में मान्यता दी थी और अजीत पवार के गुट को एनसीपी का सिंबल दीवार घड़ी आवंटित किया था, जबकि एनसीपी शरद चंद पवार को चुनाव चिन्ह घड़ी आवंटित की थी। अजीत पवार के लिए बड़ी परीक्षा का समय है। अब वो शरद पवार की तस्वीर भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो दूसरी तरफ एक और परीक्षा देश के चुनाव को लेकर आने वाली है। दरअसल एक देश और एक चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। अब इस कमेटी ने अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को सौंप दी है। तो क्या है इस रिपोर्ट में, देखिए ये खबर। लंबे समय से एक देश एक चुनाव को लेकर देश भर में विवाद चल रहा है। कहीं एक चुनाव के पक्षधर अपनी दलीलें देकर इसे लागू करने की बात करते हैं तो कहीं इसके विरोध में एक चुनाव के नुकसान बताए जाते हैं। इस बहस पर जल्द ही विराम लगने वाला है। एक देश एक चुनाव के लिए बनाई गई समिति ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। दावा किया जा रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट में 2029 में एक साथ चुनाव करने की सिफारिश की गई है। 18,626 पन्नों की ये रिपोर्ट स्टेक होल्डर्स एक्सपर्ट से चर्चा के बाद 191 दिन की रिसर्च का नतीजा है। कोविंद पैनल ने ये रिपोर्ट तैयार करने से पहले 7 देशों की चुनाव प्रक्रिया पर स्टडी की, जिनमें दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, स्वीडन, बेल्जियम, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस आदि शामिल हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि एक देश एक चुनाव पर 47 राजनीतिक दलों ने कमेटी को अपनी राय दी है। इसमें से 32 ने पक्ष में और 15 ने विपक्ष में मत रखा है। बताया जा रहा है कि देश में सीमित संसाधनों की बचत, सामाजिक तालमेल बनाए रखने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए एक देश एक चुनाव को लागू करने की जोरदार वकालत की गई है। तो वहीं इसके खिलाफ तर्क देते हुए, इसे अलोकतांत्रिक बताते हुए देश को राष्ट्रपति शासन की तरफ ले जाने वाला बताया गया है। पैनल ने सुझाव दिया है कि सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए। हंग हाउस नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं, उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग लोकसभा विधानसभा स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड तैयार करेगा। कोविंद पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश की है। 2029 से एक देश एक चुनाव संभव हो सकता है, लेकिन राह इतनी आसान भी नहीं है क्योंकि कई चुनौतियां सामने आ सकती हैं। फिलहाल तो देश में लोकसभा चुनाव आ गए हैं और जो नई सरकार बनेगी वो ही एक देश एक चुनाव पर फैसला करेगी, लेकिन एक फैसला केरल हाईकोर्ट में जज की नियुक्ति को लेकर भी होना है। केंद्र को आपत्ति है लेकिन सुप्रीम कोर्ट केंद्र से इतिहास पढ़ने को कह रहा है। सरकार और विपक्ष के बीच की तनातनी के बीच मोदी सरकार खुद ही अपने दावों में फंसती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने बुधवार को केंद्र सरकार पर अहम टिप्पणी की। मामला केरल हाईकोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति का है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने मंगलवार को केंद्र सरकार को केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए 6 वकीलों के नाम की सिफारिश की थी, जिसमें अनुसूचित जाति से वकील मनोज पुलंबी माधवन के नाम पर केंद्र ने आपत्ति जता दी। केंद्र का दावा है कि मनोज पुलंबी माधवन को सीपीएम का समर्थक है। एलडीएफ सरकार में उन्हें 2010 और 2017
16 से 21 में सरकारी वकील के रूप में भी नियुक्त किया गया था, इसीलिए उन्हें हाईकोर्ट का जज नहीं बनाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के जवाब को खारिज कर दिया और सरकार से इतिहास को खंगालने के लिए कहा गया। ये टिप्पणी सीधे सीधे एल विक्टोरिया गौरी को फरवरी 2023 में मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। गौरी लगभग एक साल तक भाजपा की सदस्य थी। उनके एक्स बायो में उन्होंने भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव लिखा था और जब उन्हें मद्रास उच्च न्यायालय का न्यायाधीश चुना गया तब विपक्ष ने आपत्ति जताई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने बिना कुछ कहे इस नियुक्ति पर समर्थन दे दिया था। उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई व्यक्ति अगर पहले किसी पार्टी का समर्थक रहा है तो ये तर्क उसे हाईकोर्ट का जज बनाने के लिए अयोग्य नहीं बनाता है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने मनोज पुलंबनी माधवन के मामले में मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि वो हाईकोर्ट के जज बनने के उपयुक्त हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाली कमेटी में एक सदस्य कांग्रेस के अधीर रंजन का कहना है कि उनको कल रात ही 212 लोगों की सूची दी गई थी। तो क्या अधीर जी आपको ऐसा लग रहा था कि ये लिस्ट आपको नाम चुनने के लिए दी गई थी? लकी ड्रॉ तो बहुत पहले ही निकल चुका होगा। अमृतकाल है, आगे देखिए और क्या क्या होता। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।